एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये स्लोगन भले ही मध्य प्रदेश में पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाया गया हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कह उठेंगे कि वाकई यार एमपी अजब है। इस तस्वीर में बाबा की शरण में जो दिखाई दे रहे हैं वो कोई और नहीं, वो है मध्य प्रदेश पुलिस छतरपुर के ASI, जो हत्या की एक गुत्थी को सुलझाने के लिए भविष्य बताने वाले बाबा के पास पहुंच गए। 22 31 58 89 12 35, भाई का नाम संजय अहिरवार, बोलो है ना है। कुछ नाम है, उन नामों में से एक नाम को मैं इंटर स्कोर में ना बोलूं, समझ लो वो ही व्यक्ति है बाकी नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, सुनिए, तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। 1 जिसका मैंने नाम नहीं लिया, और जिसका नाम नहीं लिया उससे ही रहस्य खुलेगा। बाबा के कहे अनुसार ASI अनिल शर्मा ने मृतक के चाचा पर हत्या का आरोप लगाकर तीरथ अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया था। पांडु सरकार की वीडियो दिखाई थी कि देखो हमने अपना पुलिस वाला वहां पर भी भेजा था, तो वहां पर भी तुम्हारे भाई को ही मुजरिम ठहराया, उसने भी बताया। कौन बता रहे थे ऐसा? TI साहब बता रहे थे। कैसे बता रहे थे, क्या ये बोले? अंदर आ जाओ और आपको कुछ हम दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको ये पांडु सरकार की वीडियो दिखाई थी कि जिसमें उसमें बताया जा रहा है कि जिस जिसका मैं नाम लूँगा वो नहीं है, और जिसका नाम नहीं लूँगा उससे सुराग मिलेगा। ये वीडियो दिखाई थी, फिर उसी आधार पर मेरे भाई को जेल भेज दिया। दरअसल पिछले महीने ओटापुरवा गाँव में एक नाबालिग लड़की की हत्या करके लाश को कुएं में फेंक दिया गया था। मृतक युवती के परिवार ने हत्या का आरोप गांव के ही 3 लड़कों पर लगाया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। लेकिन ठोस सबूत ना मिलने की वजह से तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि लड़की के परिवार ने मामले की शिकायत SSP से की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ASI पंकज शर्मा को निलंबित कर दिया और हत्या की जाँच के आदेश दे दिए। एक ये वीडियो सामने आया था पंडुकर सरकार के फेसबुक पेज वाला, इस वीडियो में जो ASI दिख रहे हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है SDP का। सर कौन है जो दिख रहे हैं, उनका नाम? ये अभी वीडियो के समय की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है, परंतु प्राथमिक तौर पर जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ASI उन बमीठा थाने के थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का इस तरह की बाबाओं के चक्कर में फंस रहा है, इनके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है निलंबन के खिलाफ? प्राथमिक तौर पर यह व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, लेकिन फिर भी जो वर्दी में और प्रदीय कर्तव्यों के साथ वो किया गया है, इस आधार पर निलंबित किया गया है। अब भले ही हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन इस तरह की अंधभक्ति पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल जरूर खड़े करती है। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 Digital।